नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। प्रधानमंत्री के रीवा आगमन की तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री रीवा पहुंचे, कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा आएंगे। प्रधानमंत्री के रीवा आगमन की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल SF ग्राउंड पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने मंच व्यवस्था सहित आमजनों के लिए की जा रही बैठक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, हेलीपैड से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था का निरीक्षण किया और उचित दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने अभी तक की तैयारियों पर संतोष प्रकट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री के रीवा का पूर्ण धरा पर आगमन विंध्य के लिए अनेक सौगातें लेकर आएगा। प्रधानमंत्री का आगमन मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है। प्रधानमंत्री का विंध्य की धरा में परंपरा अनुसार ऐतिहासिक स्वागत हो। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री रीवा में पंचायत राज दिवस आयोजन पर 4 लाख से अधिक हितग्राहियों के आवासों का गृह प्रवेश भी कराएंगे। इसके साथ ही वह 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित हो रही जल जीवन मिशन योजना के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व अधिकार के हितग्राहियों के हित लाभ वितरित करने के साथ अनेकों विकास योजनाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। रेल संचालन की भी सौगात देंगे। इस समय रीवा के गलियारों में इस बात की काफी चर्चा है, वंदे भारत चल सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था, रेल ने अभी अपना टाइम टेबल नहीं दिया है, रेल ने भी कुछ नहीं बताया, उसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। इसके पूर्व मुख्यमंत्री सीधी जिले के कार्यक्रम से हेलीकॉप्टर द्वारा SF मैदान पहुंचे तथा प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा जिले के पुलिस प्रशिक्षण शाला के प्रशासकीय भवन में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रीवा आगमन की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विंध्य की धारा पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत दिवस के शुभारंभ पर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल में प्रदेश स्तर प्रदर्शनी, रीवा जिले में उपलब्धि आधारित प्रदर्शनी लगाई जाए। जिला स्तर की प्रदर्शनी में बाणसागर बांध से सिंचाई क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, सड़कों का जाल, टनल का निर्माण, गुड़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र, मुकुटपुर में व्हाइट टाइगर सफारी, बसामन मावा गौवंश बिहार की प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने साफ तौर से कहा, प्रदेश के विभिन्न आंचलों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति कर स्वागत किया जाए, लोक नर्तकों के विशाल समूह द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाए, प्रधानमंत्री का उत्साहपूर्ण स्वागत किया जाए। लाडली बहना योजना की बहनें विभिन्न योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को आमंत्रित किया जाए। ये कार्यक्रम सभी के समन्वय से हो। रीवा शहर के घरों में पीला चावल देकर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन सचमुच में अद्भुत काम है। गांव में भी घर पर पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल लगा के रहने लगभग 7,000 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही स्वामित्व के पट्टे हैं, स्वामित्व के अधिकार, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है कि लोगों के पास जमीन तो थी लेकिन उसका अधिकार पत्र ही नहीं था, स्वामित्व का कोई कागज ही नहीं था, उससे उस जमीन का कोई उपयोग ही नहीं था कागज की दृष्टि से देखा। लाखों लोगों को वो स्वामित्व के अधिकार पत्र भी बांटेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं का रेलवे सहित वो लाभ देने वाले हैं। हजारों करोड़ों रुपए की सौगात विंध्य को, मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी की आगमन की खबर सुनकर पूरे प्रदेश में और विंध्य में अत्यंत उल्लास और हर्ष का वातावरण है। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, विंध्य की परंपरा के अनुरूप त्यौहार और उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को, क्योंकि सौगातें मिल रही है प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद से,
मनाने का लोगों ने फैसला किया है और आज वही व्यवस्था देखने की दृष्टि से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। हाँ, वंदे भारत अभी ट्रेन के रेलवे के सारे कार्यक्रमों की सूची आ रही है, वो सूची जारी की जाए। ठीक है, सतपाल मलिक ने पुलवामा को केंद्र सरकार की अभी इसके बाद बात करेंगे। ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।